I'm all the way up. हेलो गाइज, अगर आपको आज का स्टेटस पसंद आया है और आप भी इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियो को लेके आते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस तरीके के स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज़ होने वाला है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको ओपन करना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन। जब आप इसे ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइस, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा जिससे हम अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे होंगे फोटो हमारा फुल स्क्रीन नहीं है, तो फोटो को सिलेक्ट करना होगा, पैन एंड जूम पे क्लिक करना होगा। इक्वल पे क्लिक करने के बाद फोटो को आपको कुछ इस तरीके से जूम कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है जितने लेंथ की आप वीडियो को रखना चाहें। फोटो को आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको नीचे आना होगा, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडजस्टमेंट का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तीन लाइन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आपको पहली वाली नहीं, सेकेंड वाली लाइन को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना होगा। उसके बाद थर्ड वाली लाइन को भी आप कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आ जाना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपको इस तरीके से रोटेट कर देना होगा। उसके बाद कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो फुल स्क्रीन होने के बाद आपको उसे सिलेक्ट करना होगा, नीचे आ जाना होगा, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको कर देना होगा स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो हमारी छोटी है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट फाइल बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, वीडियो को सिलेक्ट करना होगा और इस तरीके से आपको कर देना होगा, जैसे यहाँ से लगा देना होगा इसके बाद से। उसके बाद दोस्तों, शुरू में आना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से आपको एक और वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने इसे फुल स्क्रीन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा, नीचे आ जाना होगा, कुछ ऑप्शन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको कर देना होगा स्क्रीन। तो दोस्तों, हमारी वीडियो स्क्रीन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको वॉल्यूम में जाना होगा, इसकी वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना होगा, क्योंकि इसमें एक साउंड है जो आपको पसंद नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिससे आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की बनने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो हमारी आ चुकी है, इसको आपको कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो हो चुकी है फुल स्क्रीन। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा, नीचे आ जाना होगा, यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एक ऑप्शन आपको मिल जाता है क्रोमा की का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। इसको आपको इनेबल करने के बाद की कलर आपको ग्रीन सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको बैक आ जाना है। इस वीडियो में म्यूजिक ऑलरेडी दिया हुआ है। जब दोस्तों, यहाँ से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आना होगा। यहाँ पे आपका म्यूजिक चेंज होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, म्यूजिक जब चेंज होता है तो आपको यहाँ पे वीडियो रोक देनी है। उसके बाद दोस्तों, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, स्मोक वाली वीडियो को। उससे दोस्तों, आपकी वीडियो में बहुत तगड़ा स्मोक आने वाला है। तो दोस्तों, स्मोक वाली वीडियो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो हमारी आ चुकी है, इसको आपको कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो हो चुकी है फुल स्क्रीन। उसके बाद आपको उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ रहा होगा, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको कर देना होगा स्क्रीन। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में यहाँ से स्मोक आ जाएगा और हमारी वीडियो बहुत ही तगड़ी बनने वाली है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको लास्ट में जो भी पार्ट बड़े हैं वीडियो में, आपको सिंपली इस तरीके से काट देने होंगे। तो जैसे यहाँ से मैं काट रहा हूँ, तो आपको भी इस तरीके से काट देने होंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको शुरू में आ जाना होगा। आपकी वीडियो कुल मिला के पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक बार वीडियो को चला के दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप भी इस तरीके से अपनी वीडियो को बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको रेजुलेशन 1080p और फ्रेम रेट 30 रखने के बाद वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना होगा। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियो को लेके आते रहते हैं रेगुलर। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो को बना के आपको सेंड कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।